नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ हैं दीप्ति शर्मा, जो हमेशा सामाजिकता की बात करती हैं, बराबरता की बात करती हैं। और दीप्ति शर्मा जी का एक वीडियो आया था जो लोगों ने बहुत पसंद किया और दर्शकों ने सबने बोला कि आप दीप्ति जी के और इंटरव्यूज़ लीजिए ताकि सामाजिक बराबरी की बात हो सके। दीप्ति जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। दीप्ति, आप एक ब्राह्मण परिवार से आती हैं और जो ब्राह्मणों का होता क्या था कि शूद्र अगर कोई श्लोक सुन ले या प्रवचन कर दे या इस तरीके का कोई कर्मकांड कर दे तो उसके साथ या तो उसके हाथ काट लिए जाते थे या फिर उसके साथ अगर वो बोल लेते थे कुछ ऐसे शास्त्रों को बोलते थे तो उनकी जीवें काट ली जाती थी और सुन लेते थे उनके कानों में लोहा पिघला तक के डाल दिया जाता। तो ये जो शास्त्रों का अधिकार है या इस तरीके की जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, क्या सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, उस पर बताएं। दरअसल शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उनकी डिपेंडेंसी से आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, और यही सबसे बड़ा कारण था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सब लोग अगर शिक्षित हो जाते तो उनकी जो असलियत है वो सामने आ जाती और उनकी सत्ता हिल जाती। हम लोगों को शिक्षा का अधिकार इसीलिए नहीं दिया गया ताकि वो सोच ना सके, वो जो कह रहे हैं केवल हम उन पर यकीन करें, इसीलिए शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। और आज भी जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बदली नहीं हैं। BHU का जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे सामने हैं, वहाँ पे वो छात्र पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक मुस्लिम से उनके अंदर अपने ही धर्म अपने ही शास्त्रों को लेके इतनी कट्टरता है कि वो उस मुस्लिम व्यक्ति से जिसकी पूरी पीढ़ी चली गई है, एक संस्कृत पढ़ते पढ़ाते गाते बजाते उस इंसान से वो अपने शास्त्र या धर्म का ज्ञान नहीं ले सकते और वो उसको धर्म मान रहे हैं। ऐसा कौन सा धर्म जो किसी की ज्ञान की इज्जत करने आपको नहीं दे रहा है। तो दरअसल सबसे बड़ी दिक्कतें लोगों के सामने यही है कि शिक्षा, क्योंकि पैसा अगर आप किसी को दे देंगे, पैसे से वो इंसान सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो कभी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि लोगों ने जो अपने आप को उच्च वर्ण में समझते हैं या अपने आप को रखते हैं वो दरअसल इवन रिजर्वेशन पर भी जब बात की जाती है तब लोग यही बोलते हैं कि अरे उनके पास पैसा है, उनके पास नौकरी है। दरअसल पैसा सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में सम्मान का जो है वो आधार नहीं है। आज एक इंसान चाहे वो कलेक्टर हो, DM हो या बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे हो, लेकिन पीठ पीछे सामने उसके झुकेंगे लोग जो अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं, वो उसके सामने झुकेंगे, ठीक है, उसकी उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपने काम हैं, लेकिन पीठ पीछे उस इंसान को वो जाति सूचक गालियां देने से भी नहीं चुकेंगे। ये मैंने अपने आसपास में इस तरीके की चीज़ें देखी हैं। तो दरअसल शिक्षा का अधिकार न देना, वैसे तो उनके पास इतनी शक्ति है नहीं जिसमें वो ये किसी को कह सके कि आपको पढ़ने का अधिकार है या नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी सत्ता हिल रही है, उनके सामने सबसे बड़ा डर ये है कि लोग आज पढ़ रहे हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं, तो उनकी सत्ता हिल रही है और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से आज हम सब लोग एक जगह पे आ सकेंगे। वो सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक समानता, जो मानसिक स्तर की समानता, क्योंकि लोगों को लगता है कि पढ़ने लिखने का काम केवल पंडित वर्ग का है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है, राजपूत का काम है केवल लड़ाई करना। अरे आज के ज़माने में ये सेंस, आज आप अब्दुल कलाम को मानते हैं, वो अगर उनके धर्म की बात की जाए, जाति की बात की जाए, वो मुस्लिम हैं, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति को देख लीजिए, तो मतलब आप उनको जाति के हिसाब से अगर तोलें तो उनको तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और क्या यही आपकी, मतलब उनकी मानसिक स्थिति कितनी ज़्यादा गर्त में है जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं या सोच रहे हैं। तो इसीलिए जो BHU में भी जो प्रोटेस्ट हुआ है, उस मुस्लिम जो कि PhD की है भाई उस बंदे ने, उसके बावजूद उस पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए? तो मैं यही मानती हूँ कि शिक्षा ही वो प्लेटफॉर्म है जो हम सब लोगों को एक जगह लेके आ जाएगा। बहुत बढ़िया आपने बताया। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो संविधान लिखा बाबा साहब ने लिखा, और जो संविधान जो अधिकार देता है वो राइटिंग है, वो अधिकार सबको बराबरता का देता है, समानता का देता है, और समानता से कोई एजुकेशन किसी ना तो ऊँची जात वाले या नीची जात वाले का ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत सारे लोग वाल्मीकि समाज के हैं, खटीक समाज के हैं, और बहुत सारी ऐसी जातियों के हैं जो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर लॉयर तक बने हुए सिर्फ एजुकेशनली तरीके से। तो समानता का अधिकार सरकार को भी देना चाहिए और समानता की बात सामाजिक लोगों को भी करनी चाहिए। धन्यवाद, आपने हमारे से बात करी। थैंक यू।
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।